क्रिप्टो उत्पादों एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अर्ली बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस देख सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें वन डे डायफ्रेम में, तो यहाँ पे ये फ्लैट चल रहा है विच शोज की अ बिग मूव इज गोना कम इन एसयूआई। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम रिचा एंड आज की वीडियो होने वाली है ऑन अ वेरी प्रॉमिसिंग लेयर वन प्रोजेक्ट कॉल्ड सुई। First of all, this project is backed by some of the largest VCs, including Coinbase Ventures and 16Z. Secondly, this project is developed and founded by a former Meta employee. So definitely this project is interesting. So let's see if this project has any opportunities or not. Before starting that, let me tell you, January 2023 mein, that is starting of the year mein, hum log ne similar kind of token APT, Aptos, which is also a layer one blockchain network project, ne 500% ka surge diya tha sirf ek month mein. Par hum aapko ye kyun bata rahe hain? Because APT, Aptos and Sui both have similar functioning and the fun fact is दोनों के founders भी Meta employees थे, तो शायद Sui भी 500% का rally कर सकता है। Although both the tokens APT and Sui are quite similar, but a closer look at them can help us identify the difference. So in case you want a full video on APT versus Sui, let us know in the comment section. Also दोनों token APT and Sui CoinDCX पे अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो देख के टेक्निकल एनालिसिस देख के कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द टीए पार्ट, लेट मी टेल यू, सुई की टीम ने अनाउंस किया था कि देयर विल बी अ टोकन अनलॉकिंग सूनर। सो व्हाट जनरली हैपेंस इज टोकन अनलॉकिंग की वजह से प्राइस अफेक्ट होता है, बट एज अ ट्रेडर हम लोग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है वो हम लोग देखेंगे आज। सो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द लिस्टिंग प्राइस एंड करंट प्राइस तक बात करेंगे। सो we are going to see what happened and what is currently happening and what is going to happen. All right, so agar hum log yahan pe 4 hour time frame ka chart dekhe, yahan se hum log dekhe to ye price niche fall hua, and what generally happens is agar kisi bhi token ka price upar jata hai ya niche aata rally deta hai to price takes rest and consolidate hota hai, then either it continues or reverses. So that is what happened Sui mein. We can see yahan price fall hone ke baad yahan pe rejection aaya and yahi rejection se hum log ko pata chal gaya tha ki price will reverse. यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे प्राइस ने 50% का सर्ज दिया एंड यहाँ ये जो सप्लाई जोन था वहां से एक रिजेक्शन आके ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुआ, जिसको रिस्पेक्ट करते हुए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। सो नीचे अगर हम लोग देखें ये जो 0.6257 की लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। सो व्हाट जनरली हैपेंस इज अगर किसी भी लेवल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, सो इट मेक्स इट वीक and that is what happened. यहाँ पे multiple times touches के बाद price नीचे आया and जो यहाँ पे lower low बन रहा था उसको भी break करके एक नया lower low बनाया and now it is gonna act as a demand zone because it is not a major support level. And अगर हम लोग recently बात करें तो ये जो price नीचे आया है यहाँ पे SEC की जो news आई थी ETF की कल, तो SEC side की it will delay the ETFs का approval. So this doesn't mean कि उन्होंने reject किया है, अक्टूबर में फिर से अनाउंसमेंट होगा। सो उसकी वजह से हल्का सा फॉल आया था बट प्राइस रिकवर्ड क्विकली एंड उसके बाद अभी सस्टेन कर रहा है। एंड ये अगर हम लोग प्रीवियस वीक हाई देखें तो यही जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, विच शोज इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। एंड अगर हम लोग प्रीवियस वीकली लो देखें तो इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करें RSI, तो हम लोग अर्ली बुलिश RSI डाइवर्जेंस देख सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें वन डे डायफ्रेम में, तो यहाँ पे ये फ्लैट चल रहा है विच शोज की अ बिग मूव इज गोना कम इन SUI। अगर हम लोग कंपेयर करें SUI एंड APT टेक्निकल्स पे, तो वी कैन सी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे SUI का चार्ट एंड राइट साइड में भी है APT का चार्ट। सो स्टार्टिंग से अगर देखें हम लोग, यहाँ लिस्टिंग के बाद प्राइस फॉल हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आया, सिमिलर थिंग हैपेंड विद Aptos एंड प्राइस यहाँ पे फॉल होने के बाद एक हल्की सी रैली दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो लोअर लो था उसको ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे आया एंड यहाँ से Aptos ने सर्ज होना चालू हुआ, चूंकि 500% का सर्ज दिया। अगर हम लोग Aptos का चार्ट देखें, ये जो ऑल टाइम लो के बाद सर्ज दिया है, तो उस टाइम पे बिटकॉइन ने भी 40-50% का सर्ज दिया था। सो ऑब्वियसली बिटकॉइन इज अ मेजर फैक्टर, बिटकॉइन ने प्राइस ऑब्वियसली पुश किया, तभी Aptos ने भी प्राइस पुश किया। सो डेफिनेटली अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं ऑल्टकॉइन में, तो बिटकॉइन एंड बिटकॉइन डोमिनेंस को कंसीडर जरूर करें।
अगर हम लोग यहाँ सुई की बात कर रहे हैं, तो अगर सुई का हम लोग सिनेरियोस देखें, अगर यहाँ सस्टेन करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, विच ऑलरेडी हैज मल्टीपल टचेस, थोड़ा सा वीक है, अगर ये ब्रेक करके यहाँ कहीं पर रिटेस्ट करके एंड ये जो प्रीवियस वीक का हाई है ये ब्रेक करता है, देन डेफिनेटली वी आर गोना सी अ बिग रैली कंपेयर टू अदर रैलीज व्हिच वी सॉ ऑफ 30 एंड 50%। सो डेफिनेटली दिस वन इज गोइंग टू बी अ बिग रैली। अगर हम लोग नीचे की बात करें, सो ये डिमांड जोन पे अगर ब्रेक कर रहा है एंड प्रीवियस लो वीक लो को ब्रेक कर रहा है, सो नीचे प्राइस विल प्लमेट एंड देन वी कैन हैव अ साइकोलॉजिकल लेवल्स। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और टीएस की वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जाने से पहले मैं बता दूं, कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताई गई हुई है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये बस आपको एडुकेट करने के लिए है। अगर कोई भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करें। थैंक यू। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।